हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक वीडियो प्रो। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि वेडिंग फ़ोटो का कलर करेक्शन कैसे करते हैं। आज मैं जो सिखाऊंगा वो ग्रुप में कुछ वेडिंग फ़ोटो कलेक्ट किया, उस फोटो के ऊपर मैं काम करूंगा और हम सीखेंगे कि ग्रुप फ़ोटो कैसे करेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास चार फ़ोटो है ग्रुप फ़ोटो, ये चारों फ़ोटो को मैं कलर करेक्शन करूँगा। देखिए, वेडिंग का जो फ़ोटो है वहाँ पर लाइट कम या ज़्यादा होने की वजह से नेचुरल कलर गायब हो जाते हैं, एंड कलर करेक्शन करके हमको नेचुरल कलर लाना है। सबसे पहले हमें देखना है कि ये जो फ़ोटो है इसमें क्या मिसिंग है, कौन सा कलर मिसिंग है या कौन सा कलर ज़्यादा है। तो पहले ये हमें देखना है। मेरे हिसाब से ये जो फ़ोटो है ये मेरे को लग रहा है कि रेड टोन थोड़ा ज़्यादा है। दूसरे फ़ोटो में देख लेता हूँ, ये पर भी वैसे सेम मोड है, ये इसमें भी सेम है और इसमें भी सेम है। वो क्योंकि चारों फ़ोटो सेम है, क्योंकि सेम लाइट पे ये चारों फ़ोटो कैप्चर हुआ है। अगर सेम लाइट में कैप्चर होता है सेम प्लेस पर तो लगभग एक ही तरफ का कलर आ जाता है। तो हमें देखना है कि कैसे हम इजीली इसे करेक्शन कर सकते हैं। तो पहले कलर करेक्शन करने के लिए मैं पहले आपको यहाँ पर एक डुप्लीकेट लेयर लेता हूँ, क्योंकि हमें बिफोर और आफ्टर पता चलेगा। यहाँ से मैं ले लिया डुप्लीकेट लेयर, कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस जे प्रेस करना डुप्लीकेट लेयर आ जाएगा। तो यहाँ पर इस वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए और बहुत सारा वीडियो इस चैनल में आएगा। अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो मेरा ये सब वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो पर आगे बढ़ते हैं। तो ये फ़ोटो का कलर करेक्शन है, मुझे पहले तो इमेज में जाना है, एडजस्ट में जाना है और यहाँ पर जो कलर बैलेंस ऑप्शन है यह से हम कलर करेक्शन करेंगे। आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस बी करके भी ये ले आ सकते हैं कलर बैलेंस। तो मेरे को यह से रेट घटाना है। तो देखिए, अगर मैं इस तरफ लेता हूँ रेड की तरफ तो रेड टोन और भी बढ़ जाता है, और अगर मैं दूसरी तरफ लेता हूँ तो रेड टोन बहुत ज़्यादा घट रहा है। मेरे को नेचुरल एक कलर लाना है, ये मेरे हिसाब से इतना इतना सही है इस फोटो के लिए। मैंने ओके कर दिया। अब थोड़ा मेरे को लाइट बढ़ाना है, तो हम ये क्या से कर सकते हैं, इमेज एडजस्टमेंट, और यह से मेरे को ऑप्शन मिलेगा कार्प्स का। ऐसे मैं कार्प्स थोड़ा ऊपर की तरफ अगर लेता हूँ तो लाइट बढ़ेगा, और नीचे की तरफ लेता हूँ तो लाइट घटेगा। मेरे को लाइट थोड़ा बढ़ाना है यहाँ से, तो मेरे को नेचुरल टोन आ जाएगा। ये देखो, मेरा लगभग नेचुरल टोन आ गया। तो अभी हमें क्या करना है, ये जो फ़ोटो है इस फोटो में जो ये दोनों फेस है इसका भी अभी भी थोड़ा लाइट बढ़ाना है। तो हम कैसे कर सकते हैं, ये एटिकल मार्क्यू टूल में सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर जो फेदर है ये फेदर 100 कर लेता हूँ। उसके बाद फेदर बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ याद रखना, क्योंकि फेदर अगर कम होगा तो सर्कल आ जाएगा। यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं फिर से वो कार्ब्स लेकर थोड़ा ये इस पिक्चर पर लाइट बढ़ा लेता हूँ, और इसमें भी सेम, इसमें भी सेम करना है। कंट्रोल एम करके थोड़ा मेरे को लाइट बढ़ा लेना है। तो मेरा फ़ोटो लगभग कलर करेक्शन हो गया। अब ये दूसरा फ़ोटो है, इसका भी सेम स्किन टोन है, तो इसे भी मैं कंट्रोल जे कर लेता हूँ। पहले डुप्लीकेट लेयर कर लिया, अभी हमें इमेज एडजस्टमेंट और कलर बैलेंस में जाना पड़ेगा, या से रेड टोन घटाना पड़ेगा। मैंने रेड टोन घटा दिया। अगर आपको दूसरा कुछ टोन चाहिए या आप येलो भी बड़ा करके देख सकते हैं, ये ब्लू है इसमें ब्लू टोन आएगा। तो मेरे हिसाब से ये वाला सही है, और ये ग्रीन है, आप यहाँ से ग्रीन भी थोड़ा ज़्यादा या कम कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर डिस्प्ले में दिखाई देगा क्या चेंज हो रहा है। अभी हमें क्या करना है, अभी से हमें थोड़ा लाइट बढ़ाना है। वो हम कंट्रोल एम करते हैं कीबोर्ड से, कर्व्स आ जाएगा, यहाँ से थोड़ा लाइट बढ़ा लेते हैं। तो मेरा टोन लगभग आ गया है, सिर्फ ये वाला पिक्चर में मेरे को थोड़ा लाइट बढ़ाना है फिर से। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया,
सिलेक्ट नहीं हुआ अभी तक, मैं सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल एम किया, थोड़ा बढ़ा लेता हूँ। ओके कंट्रोल, अब आपको दिखाता हूँ कि पहले कैसा फ़ोटो था और अब क्या आया। ये वाला मेरा फ़ोटो पहले था कलर करेक्शन से पहले, और अब कलर करेक्शन के बाद ऐसा आ गया है। देखो बिल्कुल नेचुरल कलर है। ऐसे ही हम कलर करेक्शन करते हैं वेडिंग फ़ोटो में। और भी दो फोटो है उसमें भी मैं दिखाता हूँ, इसमें भी लगभग सेम रेड टोन ज़्यादा है। मैं कंट्रोल बी कर लिया कीबोर्ड से और यहाँ से रेड घटा दिया थोड़ा। अब क्या करना है, मेरे को लाइट बढ़ाना है, कंट्रोल एम करके कर्व्स लेकर मेरे को थोड़ा लाइट बढ़ा देना है। और ये जो लास्ट वाला फ़ोटो है इसका मुंह में थोड़ा हमें करेक्शन करना है। ये वाला फ़ोटो पर मैं सिलेक्ट कर लिया, इसे कंट्रोल एम किया और थोड़ा इसका लाइट बढ़ा देता हूँ। तो लगभग देखो हर फोटो का सेम टोन है और नेचुरल टोन है। ये वाला भी मेरा हो गया। और मैं अभी जो लास्ट फोटो है उसमें जाता हूँ। ये मेरा लास्ट फोटो है, इसमें भी मैं कलर बैलेंस कर लेता हूँ, रेड टोन घटा लेता हूँ, यह से ज़्यादा हो गया, यही तक ठीक है मेरा। आप यहाँ पर दूसरे टोन भी चेक करके देख सकते हो कि किसमें नेचुरल आता है या नहीं आता है। आप येलो बढ़ा सकते हैं, ब्लू बढ़ा सकते हैं, या से आप रेड बढ़ा सकता है, किसी भी प्रकार का आप करेक्शन यहाँ से कर सकते हैं। एक एक फ़ोटो में एक एक तरह की कलर आता है, तो आप हर फोटो के हिसाब से कलर करेक्शन कर लेना और देखना कि अगर सेम जगह पर फ़ोटो खींच रहा है, यानी कि रिसेप्शन का फ़ोटो है, तो मैक्सिमम फ़ोटो सेम करेक्शन रहेगा। अगर आप एक फ़ोटो का कलर सही कर लेते हो और इसे याद रखते हो तो दूसरे फ़ोटो में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे इस केस में, सभी फ़ोटो, ये चारों फ़ोटो सेम प्लेस पर खींचा हुआ है, तो लगभग कलर करेक्शन एक ही हो रहा है। ये फ़ोटो का मैं थोड़ा लाइट बढ़ा लेता हूँ, बढ़ा लिया। अभी हमें करना है ये वाला फेस पर, तो ये फेस पर मैं कम कर लेता हूँ। लगभग मेरा फ़ोटो हो गया। ऐसे आप किसी भी फ़ोटो का कलर करेक्शन कर सकते हो। अगर आपको कोई दूसरा करेक्शन करना है, अगर आप यहाँ पर हुई एंड सेचुरेशन में भी जा सकते हो, या से भी थोड़ा चेक कर सकते हो, हुई लेवल बढ़ा के या घटा के, या से भी रेडनेस या से ज़्यादा कम होगा, आप आपके हिसाब से जो नेचुरल कलर आएगा वो ही आप रख लेना है। या सब ऐसे ही ग्रुप फोटो का कलर करेक्शन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे इस चैनल को प्लीज़, अगर आपको अच्छा लगे ये वीडियो, तो मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इससे हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपका किसी भी तरफ की क्वारी है इस वीडियो पर, तो आप ज़रूर मेरे को कमेंट करें, मैं उस क्वारी को बहुत जल्द सॉल्व कर दूँगा। फ़िलहाल ये वीडियो यहीं तक है। बाय बाय, हैव अ गुड टाइम।